हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप किसी शेयर को शॉर्ट सेल करते हैं तो आप उसमें स्टॉप लॉस यानी कि कवर ऑर्डर कैसे लगा सकते हैं। तो आप सबसे पहले आ जाइए अपना जो भी शेयर है उस पर। शॉर्ट सेल करना है तो सेल बटन पे हम क्लिक करेंगे। शॉर्ट सेल आपको नहीं पता क्या होता है तो ऊपर लिंक आ रहा होगा कार्ड का, वहाँ पर अच्छे से आप जान सकते हैं कि शॉर्ट सेलिंग का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो क्वान्टिटी मैंने यहाँ पर डाल दी 1। मेरे को लगता है कि इसका प्राइस नीचे गिरेगा 358 तक। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, ऊपर अपना लॉस बचाने के लिए ऊपर मैं एक स्टॉप लॉस लगा दूँगा 360.90 का मान लीजिए। ठीक है, इस प्राइस से ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दिया। अब मार्केट प्राइस पे मैं खरीदूँगा, मान लीजिए इस प्राइस पे मैं एंटर हो गया ट्रेड में, ट्रेड नीचे जाने की बजाय ऊपर चलने लग गई। ठीक है, जैसे अभी हमारे सामने हो रहा है, तो मेरा जो ऑर्डर है ना ऑटोमेटिकली कट जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको लेके दिखाता हूँ यहाँ पे। चलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको मॉडिफाई कर लेते हैं, ठीक है, ताकि बार बार हमारे को चेंज ना करना पड़े। ठीक है, तो मैं फटाफट शॉर्ट सेल करता हूँ। तो ये देखो, सेल हमने कर दिया 360.6 पे और स्टॉप लॉस हमारा है 361 का। ठीक है, तो 360.60 पैसे से ये स्टॉक नीचे फिसल के 359 358 जाएगा तो प्रॉफिट होगा, लेकिन ऊपर चढ़ने लगा अगर 361 चला गया 362 चला गया तो लॉस होगा। तो उसको बचाने के लिए 361 पर मैंने स्टॉप लॉस लगाया है। तो जैसे ही प्राइस 361 हिट करेगी तो देखिए, प्राइस आप रिवाइंड करके देखेंगे तो आपको दिखेगा, जैसे ही 361 प्राइस हिट की, हमारा जो ट्रिगर था यानी जो हमने शेयर को शॉर्ट सेल किया है उसका बाय साइड का ट्रिगर कंप्लीट हो गया। यानी बेचा, देखो हमने 360 में इस उम्मीद से कि नीचे जाएगा भाव, और नहीं गया नीचे तो ऊपर में हमने स्टॉप लॉस लगाया था 361 का, ताकि अगर ऊपर चढ़ने लग जाए तो हम इस प्राइस पे एग्जिट हो जाएं। सिंपल सी बात है ना। तो शॉर्ट सेलिंग अगर आपको नहीं पता डेप्थ शॉर्ट सेलिंग की तो आप वीडियो देख लेना मेरी। तो ये था पूरा तरीका शॉर्ट सेल करने का, आप कैसे स्टॉप लॉस लगा के शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।